हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 10th और 12th का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है, तो उसको आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो में आप लोगों को बतला दूंगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ और भी अपडेट्स देना है एडमिट कार्ड को लेकर के, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना एंड बारीकी से बतला दूंगा कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास जो मैं बतलाऊंगा अगर वो चीज़ है तभी आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें बारीकी से पता चल जाए कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना यार। तो सिंपली आप लोगों को गूगल पे आना होगा फ्रेंड्स, एंड गूगल पे आने के बाद आप लोगों को सर्च कर लेना होगा www.jharkhandlab.com। आप लोग को ये सर्च कर लेना होगा। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को ये साइट खुल करके आ जाएगा। ठीक है, ये साइट खुलने के बाद आप लोग डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो थ्री डॉट इधर दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यार आप लोग जो है यहाँ पे डेस्कटॉप साइट एक आता है, आप लोग इसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को सभी चीज़ें अच्छे से दिखे, एंड ये आपके एक कंप्यूटर के जैसा खुल जाता है फ्रेंड्स डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद। तो सिंपली अभी रिसेंट पोस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जैक बोर्ड क्लास 10th 12th एडमिट कार्ड डाउनलोड 2021 jharkhandlab.com। इसी पर आप लोग एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, एक बार इस पर क्लिक कर दोगे, उसको करने के बाद फ्रेंड्स तुरंत से आप लोग को एक न्यू पेज खुल करके आएगा। एंड फ्रेंड्स आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, एंड मेरे अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोग जरूर से इसको पढ़ लेना। एंड पढ़ने के बाद फ्रेंड्स नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है जैक बोर्ड क्लास 10th 12th एडमिट कार्ड डाउनलोड ऑनलाइन 2021। मतलब अगर आप लोग को ऑनलाइन डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्लास 10th एंड क्लास 12th सर्वर 1 और सर्वर 1 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप लोग का अभी तक तो लिंक एक्टिवेट नहीं किया जैक बोर्ड ने कैसा डाउनलोड करना है इसको लेकर के, लेकिन आज क्लास 10th का यानी कि 20 मार्च है। जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि 20 मार्च से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है क्लास 10th का। ठीक है, यानी क्लास 10th का 20 मार्च से और क्लास 12th का 22 मार्च से, तो आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर जैसे ही आप लोग का जैक बोर्ड सर्वर अपना लिंक को एक्टिवेट करता है, वैसे ही आप लोग को यहां भी सर्वर में लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूँ कि उसको डाउनलोड कैसे करना है। जैसे ही यहाँ पर सर्वर ऑन हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोग जैक के साइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो मैं जैक के साइट पे चलता हूँ, देन मैं आपको बतलाता हूँ कैसे कैसे करना होगा। तो यार फाइनली मैं जैक के ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ, एंड अभी तक आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे केवल लिखा आ रहा है सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एग्जाम प्रोग्राम 2021। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में ही आप लोग को लिखा आ जाएगा क्लास इंटरमीडिएट एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड, सेकेंडरी एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड 2021, ऐसा कुछ भी करके लिखा आएगा। ठीक है, जैसे ही लिखा आएगा फ्रेंड्स, मतलब आप लोग समझ लेना कि आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर आप लोग उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो देखो मैं बता दूँ, यहाँ पर जैसे सेकेंडरी एग्जाम 2021 यहाँ पर लिखा हो, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग से यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का रिक्वायर करेगा। ठीक है, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोग को डालना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को जब आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाओगे तो आप लोग को ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो ही अगर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को जो है अपना एडमिट कार्ड आपके स्कूल कॉलेज से जा करके ही लेना होगा। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मैं ऑनलाइन किसी तरह डाउनलोड कर लूँगा, तो आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना। ठीक है, तो आप लोग जैसे आप लोग को स्कूल कॉलेज में जाना होगा, जैसे आज से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है फ्रेंड्स, तो आज से भी क्लास 10th का एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड 22 मार्च से क्लास 12th का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जा करके अपने स्कूल कॉलेज में जाना एक दो दिन के बाद, जैसे आज से क्लास 10th का आ रहा है तो कल या परसों जाना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग परसों जाने के बाद आप लोग को वहाँ से आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स आप लोग अपने एडमिट कार्ड में अपने प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का जो भी है वहाँ पे, ठीक है, एंड उन लोग का सिग्नेचर के साथ ही साथ आपके स्कूल व कॉलेज का वहाँ पर स्टाम्प यानी कि मुहर लगा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के आपका एडमिट कार्ड वैलिड होगा। और ये जो है क्लास 10th और 12th दोनों में लागू होता है, तो आप लोग अपना स्कूल कॉलेज से एडमिट कार्ड ले लेना। लेने के बाद आप लोग वहाँ पर साइन एंड मुहर जरूर से करवा लेना। ठीक है, एंड जैसे आप लोग कैंसिल करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मैं कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ पे ऑथोराइज्ड ऐसा कुछ करके आएगा फ्रेंड्स कि आप ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तभी जाके आपको परमिशन मिलेगा डाउनलोड करने का। ठीक है,
अभी यहाँ पे लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया, जैसे ही किया जाता है आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तभी, अदरवाइज नहीं कर सकते। एंड अगर डाउनलोड भी कर लेते हो फ्रेंड्स, तो आप लोग को जो है आप लोग को स्कूल कॉलेज जाना ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाओगे तो आपको जो साइन मुहर नहीं मिलेगा, और साइन मुहर नहीं मिलेगा तो आपका एडमिट कार्ड वैलिड नहीं होगा। इसलिए आप लोग जा करके वहाँ से साइन मुहर करवाना ही होगा, ठीक है। आप लोग को कलर में या फिर जेरोक्स टाइप का कुछ दिया जाएगा एडमिट कार्ड, वो वैलिड होगा। केवल वहाँ पे साइन और मुहर हो जाएगा आपके स्कूल कॉलेज का, तो वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड आज से फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आज से क्लास 10th का एंड 22 मार्च से क्लास 12th का डाउनलोड होगा, ठीक है। तो चलो यार, आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो फिर से बोल रहा है यार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी रिजल्ट के अकॉर्डिंग, मतलब रिजल्ट का कोई अपडेट या फिर प्रैक्टिकल का कोई अपडेट या फिर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आप लोग को दे पाऊँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जैसे ही वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स कि आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। आज दोपहर या शाम से आप लोग एडमिट कार्ड क्लास 10th का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड 22 मार्च में ये सेम कंडीशन होगा, 22 मार्च को दोपहर या शाम तक में आप लोग का एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।